इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को एससी लिस्ट में शामिल किया जाना था। हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण को इस आदेश का अनुपालन करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। अगले सुनवाई तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। दरअसल 22 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को पारित किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 17 अति पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, निशांत, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मलहा, कुम्हार, धीमर, गोडिया और मछुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी और इसे जल्द ही केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाना था। लेकिन इससे पहले कि यह प्रस्ताव पास होता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति की तरफ से इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान की धारा 341 का उल्लंघन किया है, जबकि इसमें संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। जिसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो चुनावी माहौल के बीच अखिलेश यादव के इस फैसले को पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अब रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई में ही साफ हो पाएगा कि 17 पिछड़ी जातियों को एससी लिस्ट में जगह मिलती है या नहीं। देखते रहिए टीवी लाइव।